दिन में हम खुद जब वॉलेंटरली हम ज्वाइन होने के लिए तैयार है। बीजेपी मुसलमानों को टिकट नहीं दे रही है, कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को टिकट देना कम करते जा रही है, बहुत हद तक कम कर चुकी है, आगे आने वाले वक्त भी और कम कर देगी। आज अगर हम अनकंडीशनली कांग्रेस को जाना चाहते हैं तो हमारी अना खत्म हो चुकी, गुलामी का तोख हम डाल लेना चाह रहे हैं। मैं नासिर हुसैन उस्ताद साहब को चाहूंगा कि वो लोग, वो जो कई सारे यहाँ पर MIM के लोग चाहने वाले हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए आप ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की स्टेट प्रेसिडेंटशिप को कबूल करें। आगे आपका इख्तियार है, हम आपके साथ कल भी थे, आज भी है इंशाल्लाह। होने के लिए कोई कैंडिडेट या कैंडिडेट के घर वाले, कोई डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर या जिला अध्यक्ष, कोई भी, आप देख रहे हैं कि 8-10 दिन में हम खुद जब वॉलेंटरली हम ज्वाइन होने के लिए तैयार है, हमारे पार्टी के लोगों को इंडिविजुअल बुला बुला करके उनको कांग्रेस ज्वाइनिंग कराना, कांग्रेस में शमूलियत कराना, इनका क्या मंशा है, क्या नीयत है, इस पर भी हमको सोचना है। आपको उसके ऊपर रोशनी डालनी है। दस्तूर को बचाने की जिम्मेदारी, सेक्युलरिज्म को मजबूत करने की जिम्मेदारी एक सियासी जमात जो हिंदुस्तान भर में अपने आप को सरे फेरिस समझती है, सबसे बड़े ठेकेदार समझते हैं, वो अपने जिले में अगर सेक्युलर लीडरशिप को, सेक्युलर वोटर्स को, सेक्युलर जहन को खुले दिल से एक्सेप्ट कर नहीं सकती, तो मुझे नहीं नजर आता कि हिंदुस्तान में सेक्युलर ताकतों को एक रख सकते हैं। तो मैं आपका भाई ये एक ही बात कहना चाहता हूं कि आज मैं कोई फैसला नहीं लूंगा, इंतजार करेंगे। मुझे खुल करके आप अपने सजेशंस दीजिए, मुझे बताइए, मुझे रहनुमाई कीजिए। आप वो खरीदेंगे, कितने वो खरीद सकते हैं, कितने को ऑफर दे सकते हैं, वो अलग बात, मगर कितने को भी खरीद लिए तो भी मेरे साथ लोग बचने वाले हैं क्या साहब? कितने भी लोग अपनी पूरी ताकत भी अगर वो लगा लें तो आखिर में मेरे साथ लोग रहने वाले हैं। वो कहते हैं ना, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी। तो आज अपने अना का मामला नहीं है, मैं आपके बीच में, ये हालात इस तरह से हैं, फैसला क्या करना है, कैसे करना है, आप तमाम लोगों की राय लेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों की राय होने के बाद अगर कुछ कॉन्क्रीट होता है तो इंशाल्लाह फैसला करेंगे, या तो और थोड़ा टाइम लेकर। अभी नॉमिनेशन का प्रोसेस भी पूरा नहीं हुआ, 18th को नॉमिनेशन लास्ट डेट है शायद, 18th 19th, 21st 22nd को विड्रॉल्स है, अभी इलेक्शन की गर्मी शुरू नहीं हुई, गड़बड़ नहीं है, मेरे साथ को है। और शहर को, जिले को गर्म करने की हुनर हमारे में है, वो हुनर अल्लाह तबारक तआला हमको दिया है, तो इसलिए बेचैन होना नहीं है, बिल्कुल आराम के साथ, तबीयत के साथ। याद रखिए, हमारी ताकत है, हमारी ताकत रहेगी। इलेक्शन का रिजल्ट देख करके नासिर उस्ताद के 17,000 वोट है, 15,000 वोट है, आज उन्हें आया, इन्हें आया, नहीं, गुलबर्गा नॉर्थ के इलेक्शन बीजेपी को डर करके कंसोलिडेट होते हैं। अरे बीजेपी जीत जाती, भाई एक होना है बोल के डालें, आगे होने वाला नहीं। हमारे चाहने वाले भी बहुत सारे लोग कांग्रेस को वोट इस वजह से डालते हैं कि बीजेपी नहीं जीतना, मगर मकसद यह होता है कि सेकुलर ताकतों को मजबूत करना है। आज ये अगर हालात सेकुलर लीडर्स की, हम इंडिविजुअल खरीदने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो सेकुलर कौन है? हम ऐलान करने के बावजूद वो लीडर जो हमको मुसलसिल बुला रहा है, देवेगौड़ा जी ने मुझे कई बार फोन किया, उन्होंने कई बार मुझे बुलाया, हम ऐलान कर रहे हैं कि हम आपके साथ नहीं, उसके बावजूद मुझे बुलाया जा रहा है।
तो सेक्युलर कौन है इसके ऊपर भी आपको रोशनी डालना है। मिल्लत का काम जब तक जिंदा हूं इंशाअल्लाह ताला मिल्लत के लिए आवाज उठाता रहूंगा, मिल्लत के मुफाद के लिए मजबूती के साथ खड़ा रहूंगा, उसमें दो राय नहीं है। इलेक्शन आते हैं जाते हैं, हमें और आपको एक होकर रहना है। मैं इसीलिए बहुत, क्योंकि कल रात में डिसाइड किए कि चलो बोले चलो एक मीटिंग कर लेंगे, ओपन पूछ लेंगे, क्योंकि एक एक आदमी को समझाने में वक्त जा रहा है, तो बिल्कुल साफ तौर पर रखेंगे। सोशल मीडिया के हमारे ताज भाई और जो है हमारे गुलबर्गा हेडलाइंस दो चैनल हैं, आवाम भी इसके अंदर होगी इंशाल्लाह। यहाँ पर अगर कोई कंक्लूजन होगा तो इंशाल्लाह फाइनल करेंगे, नहीं तो फिर आगे फैसला करेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों के मशवरे सराखों पर और ख़ास करके काजिम बेग साहब का जो मशवरा था कि नासिर हुसैन उस्ताद साहब को किसी भी पार्टी की ज़रूरत नहीं है, अपने खुद में एक हैसियत रखते हैं, और अगर कोई ये समझता है कि गुलबर्गा नॉर्थ के हद तक ही नासिर हुसैन उस्ताद साहब महदूद हैं, तो मैं उनके सामने ये बताना चाहता हूँ नासिर हुसैन उस्ताद साहब का असर पूरे इलाके में है। पूरे इलाके की आवाम उन्हें जानती है, पूरे इलाके के मुस्लिम जो रहने वाले लोग हैं, जो मुसलमान हैं, वो पसंद करते हैं इनको, इनकी शख्सियत से, इनके तकारीर को पसंद करते हैं, और हत्ता के नासिर हुसैन उस्ताद साहब से ये मुतालबा भी किया गया था कि इस बार वो बिदर से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें एमपी का, बिदर के लोगों ने ख्वाहिश जाहिर की थी। मैं ये समझता हूँ कि नासिर हुसैन उस्ताद साहब जैसे कायद को अगर कांग्रेस पार्टी समझती है कि वो नहीं लेना चाहती है, तो ये उसकी साजिश है, वो चाहती है कि मुस्लिम क़यादत यहाँ से ख़त्म हो जाए, ना सिर्फ गुलबर्गा नॉर्थ से, पूरे खित्ते से और पूरे कर्नाटक से। आज कर्नाटक में कोई भी मुस्लिम ऐसा लीडर मौजूद नहीं है जो नासिर हुसैन उस्ताद साहब की बराबरी कर सकता है। वो ऐसी शख्सियत बन चुके हैं कि उनके अंदर वो सलाहियतें हैं जो एक कौम के रहनुमा में, एक कौम के कायद में होनी चाहिए, ये नासिर हुसैन उस्ताद साहब हैं। कांग्रेस पार्टी अगर चंद अहबाब को लेकर, नासिर हुसैन उस्ताद साहब के यहाँ पर जो लोग हैं उनको लेकर वो खुश होती है कि हम लोगों ने नासिर हुसैन उस्ताद साहब के हामियों को तोड़ दिया है, तो ये काबिल गफलत में है, वो गुमराही में है। नासिर हुसैन उस्ताद साहब को यकीनन किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत नहीं है जो इधर से उधर पाला बदलता है। वो लोगों को समझना चाहिए कि मैं एक ऐसा शख्स हूँ जो 2 साल पहले नासिर हुसैन उस्ताद साहब से जुड़ा, उससे पहले कांग्रेस पार्टी में मौजूद था। कांग्रेस पार्टी अपने अंदर किसी ऐसे लीडर को पनपने ही नहीं देना चाहती है जो अपने आप में एक ताकत रखता है और आवाम को जोड़ने का काम कर सकता है। उन्हें चाहिए तो बस कांग्रेस पार्टी के जो आला अहदेदार हैं, जो लीडर्स हैं, जो MLAs हैं, उनके आगे पीछे घूमने वाले लोगों की जरूरत है, ऐसे लीडर की जरूरत नहीं है। इस बात से जाहिर होता है कि नासिर हुसैन उस्ताद साहब ने जब ये बात कह दी सैयद नासिर हुसैन साहब से कि वो और तमाम तर कर्नाटक के लीडर्स आना चाहते हैं ताकि सेकुलरिज्म को मजबूत करें, तो उनको नजरअंदाज किया गया। किसके कहने पर नजरअंदाज किया गया, ये बात गौर फिक्र करने की जरूरत है। किसके कहने पर नासिर हुसैन उस्ताद साहब को कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने से रोका जा रहा है? कौन है वो शख्स जिसकी वजह से नासिर हुसैन उस्ताद साहब को रोका जा रहा है, और कौन वो चाहता है कि गुलबर्गा शहर से क़यादत को खत्म किया जाए? आप लोग भी उस बात को गौर करें, और वो लोग भी जो कांग्रेस पार्टी के अंदर मौजूद हैं, वो समझते हैं कि आप लोग अगर अपने जानिब से ही कहते हैं कि हम लोग नहीं चाहते हैं नासिर हुसैन उस्ताद साहब को लेना, तो ये जरूरी नहीं है कि हम लोग अपने खुद से भी ये चाहते हैं कि नासिर हुसैन उस्ताद साहब की क़यादत में यहाँ पर एक मजबूत, एक ऐसी पार्टी पनपे जो मुसलमानों के साथ साथ दलितों का भी साथ दे, और एक ऐसा सेकुलरिज्म का मामला यहाँ पर आगे रवा दवा हो सके जो कांग्रेस पार्टी से हटकर भी मुमकिन है। मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि नासिर हुसैन उस्ताद साहब से गुजारिश करूँ कि जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब ने उनसे ये ख्वाहिश जाहिर की कि वो स्टेट के प्रेसिडेंट बने, मैं भी ये ख्वाहिश करता हूँ कि वो इस पूरे रियासत की जिम्मेदारी कबूल करें, और यहाँ पर कर्नाटक में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ पर लाकर खड़ा करें ताकि यहाँ से एक नई शुरुआत हो, एक नया आगाज हो, एक नया आगाज हो, एक ताकत का, एक क़यादत का। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कर्नाटक में एक मुस्लिम को सीट दी गई, महाराष्ट्र में अभी तक किसी को नहीं दिया गया, वहां पर कांग्रेस पार्टी झारखंड में किसी को सीट नहीं दे रही है,
हत्या के इंडिया अलायंस इस बार मुस्लिम एमपी को कम करने का और खत्म करने का काम कर रही है, तो हत्या ये समझ लीजिए कि आप लोग आरएसएस के एजेंडे पे वो लोग रवा दवा है। एक बात याद आ रही है मुझे, गोवालकर जो आरएसएस का पहला सर संचालक था, उसने कहा अपने बंच ऑफ थॉट बुक में कि मुसलमानों का वोटिंग पावर खत्म कर देना चाहिए, उनको डिसएनफ्रेंचाइज कर देना चाहिए, वोटिंग इख्तियार खत्म कर देने चाहिए। ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी भी आहिस्ता आहिस्ता उसी मामले पर आगे बढ़ रही है और मुसलमानों के पॉलिटिकल इख्तियार को खत्म करने का काम कर रही है। पहले लीडरशिप को खत्म करेंगे, फिर आपको मुकम्मल तौर पर आपके जो इख्तियार है वो आहिस्ता आहिस्ता कम करने का काम करेंगे। तो समझ चाहिए कि बीजेपी और कांग्रेस में क्या फर्क रह गया है। आज बीजेपी मुसलमानों को टिकट नहीं दे रही है, कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को टिकट देना कम करते जा रही है, बहुत हद तक कम कर चुकी है, आगे आने वाले वक्त भी और कम कर देगी ताकि हमको फैसला करने में आसानी हो। जब से हमारे कायद यानी कर्नाटक के जनता दल के सुप्रीमो देवेगौड़ा साहब हो या कुमारस्वामी साहब हो, जो फैसला एनडीए में जाने का लिए, बहसियत मुसलमान हमको अफसोस हुआ, हमको नाराज़गी थी। गुलबर्गा में शायद पहला मशावरती हंगामी मशावरती इजलास कर्नाटक में आलिशान मशावरती इजलास जिसको कह सकते हैं हुआ, उसमें मुत्तफ़िका राय ये हुई कि हम इस फैसले से नाराज़ हैं, हम जनता दल से दूरी अख्तियार करेंगे। बहैसियत सियासतदान जनता दल से दूरी अख्तियार करने का मतलब क्या? क्या हम सियासत को छोड़ देंगे? ऐसा तो मुमकिन नहीं है। हमारी ज़िंदगी के दहाइयाँ सालों जो है ना हमारी सियासी खिदमात में गुजरी हैं, हम क्या एक ही एनडीए में शामिल होने के फैसले को लेकर हम हमारे सियासत को ख़त्म नहीं कर सकते? इस दौरान नासिर साहब ने जो एक्सप्लेनेशन दिया मैजेस्टिक के फंक्शन हॉल से ले में जो इजलास हुआ उससे लेकर आज तक, नासिर साहब ने दोनों पहलू बताए, कांग्रेस के लीडरों से किस तरह मुलाकात हुई, जनता दल के लीडरों से किस तरह मुलाकात हुई। मैं जहां तक समझता हूं जनता दल के लीडरों से जो हमें अश्योरेंस दिया गया या हमें जो है ना अपनी सफाई में जो बयान करके मुस्तकबिल के बारे में जो बताया गया वो शायद नासिर साहब थोड़ा खुलकर नहीं बताए। मैं समझता हूँ ऐसा हकीकत है या नहीं है मेरे को नहीं मालूम, मगर मैं समझता हूँ। आप ये बोलिए यहाँ पे कई लोग जो है ना बाप का वालिद का दर्जा रखते हैं, कई जो है ना बेटे वालदेन के बेटे यहाँ पर मौजूद हैं, थोड़ी सी नाराजगी को लेकर हम अपने माँ बाप से अलग हो सकते हैं, हम अपने माँ बाप से अलग हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर या तो अना रहती है या तो गिरत रहती है। आज अगर हम अनकंडीशनली कांग्रेस को जाना चाहते हैं तो हमारी अना खत्म हो चुकी है। गुलामी का तोख हम डाल लेना चाह रहे हैं, गुलामी अगर हमारे अपने वजन के बराबर सोने के बदले में भी दी जाती है तो गुलामी गुलामी है। गुलामी के बारे में यहाँ पर जानने वाले कुछ लोग हैं, अगर गुलामाना ज़हनियत, गुलाम के मतलब नौकर नहीं, गुलामाना हमारी ज़हनियत है, उस ज़हनियत पे अगर हमारी मौत होती है तो खबर क़यामत तक जो है ना हमारे से बेजार रहती कहते हैं अरे अल्लाह जल्दी क़यामत ला, मैं इस गुलाम को उठाकर बाहर फेंक दूँ। ये गुलामी से हमको आज़ाद रहना है। तो यहाँ पर जाहिर ये हो रहा है कि नासिर हुसैन उस्ताद कर्नाटक की सियासी तारीख पर अगर हम नजर डालें, कमरुल इस्लाम साहब को छोड़कर मिनिस्टर बने, एमएलए कई लोग बने, कर्नाटक में कोई मुस्लिम लीडर अगर किसी को कह सकते हैं एक नाम बताइए, कमरुल इस्लाम साहब को छोड़कर किसी एक सियासी लीडर को कौम व मिल्लत का या एक सेकुलर लीडर का जो है ना इमेज किसी लीडर को दे सकते हैं क्या? जमीर अहमद खान से लेकर अजीज सेठ तक जाइए, यहां तक क्या मोहम्मद अली साहब तक भी जाइए, मिनिस्टर थे, बहुत अच्छे काम करे होंगे, बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे, मगर कौम के लीडर और सेकुलर मिजाज रखने वाले लीडर कर्नाटक में नहीं गुजरा सिवाय कमरुल इस्लाम के। अब अगर हम नजर डालें मौजूदा लीडरों में, किसी को आप अपने एमएलए बोल सकते हैं, किसी को टाइमिंग मिनिस्टर बोल सकते हैं, कोई मुसलमानों का लीडर आज कर्नाटक में है क्या? नहीं है। नासिर हुसैन साहब 33,000 वोट लिए, 17,000 लिए, 20,000 लिए, ये रिकग्नाइजेशन है लीडरशिप का।
नासिर हुसैन उस्ताद को कौम लीडर तस्लीम कर चुकी है, मगर ये कांग्रेस जो नासिर हुसैन उस्ताद के आजू बाजू वालों को खरीद कर, हो सकता है हम में से भी कुछ लोगों को खरीदने का प्रोग्राम रखते होंगे, हमारी कीमत क्या होगी? 20,000, 25,000, 50,000, इससे बढ़कर अगर कोई वहां से लेगा तो मैं सियासत की बात नहीं करूंगा। क्या अपनी गीरत को, या एक नौजवान जो मुस्तकबिल का एक लीडर है और मजबूत लीडर बन सकता है, उसको आप खत्म करना चाहते क्या? नासिर हुसैन उस्ताद अगर कांग्रेस को जाना चाहते हैं तो मैं बहसियत बड़ा भाई मशवरा दूंगा कि कांग्रेस को नहीं जाना चाहिए। कांग्रेस अगर वाकई सेकुलर होती, कांग्रेस अगर वाकई मुसलमानों की हमदर्द होती, तो कांग्रेस ऐसे मौके से फायदा उठाकर सब में पहले नासिर उस्ताद के पास आती। नासिर उस्ताद साहब आइए, आप हमारे साथ चलिए, हम और आप मिलकर कौम का काम करेंगे, जमहूरियत को बचाएंगे, सेक्युलरिज्म को मजबूत करेंगे, मिल्लत को बचाएंगे। लेकिन नासिर उस्ताद को खत्म करने का जो पैमाना नजर आ रहा है, इस पैमाने को आप सोचिए। मैं वालदैन और बच्चों की जो बात किया था, आप अपनी जमीन अना और सेल्फ रेस्पेक्ट की खातिर जो हमको पैदा किए, या तो उनको दूर करते हैं या हम उनको छोड़ देते हैं। तो नासिर हुसैन उस्ताद जो है ना, आया राम गया राम है, जो कांग्रेस को चले जाना चाहिए। कांग्रेस को अगर नासिर हुसैन उस्ताद जाते भी हैं, ये बनावटी लोगों के खातिर, दिखावे के लोगों के खातिर अगर जाते हैं, उनका सियासी मुस्तकबिल क्या है? कोई एक्सप्लेन कर सकता है? नासिर हुसैन उस्ताद के सियासी मुस्तकबिल की कोई गारंटी दे सकता है? इलेक्शन हो गया, कोई नासिर हुसैन उस्ताद बोलते, नासिर हुसैन उस्ताद को चापलूसी करने नहीं आता, पैरवी के खातिर उसकी खातिर चलो बस कौम जाती कि नहीं अपनी जगह। मेरे को बहुत 3 बार धोखा हो चुका है, मैं अपने अपना घर अपना मुस्तकबिल के बारे में चापलूसी करके पैरवी करके घर चला लूं, ये फितरत तो मैं नहीं समझता नासिर हुसैन उस्ताद के पास है। जब हमारी ये फितरत है तो कौम वोटर्स का फैसला एक अलग फैसला होता है, क़यादत और सियासतदान का फैसला एक अलग फैसला होता है। आज यहाँ पर बैठे हुए तमाम गीरतमंद नौजवान और बुजुर्गों से अपील है कि नासिर हुसैन उस्ताद को अपने मफादात या कौम के या मुल्क के मुस्तकबिल की खातिर डर कर कोई मशवरा ना दें। हमें मुकाबला करना है, क़यामत तक मुकाबला करते रहेंगे, जब तक जिंदगी बाकी है करते रहेंगे। अगर हम कांग्रेस में गए, कांग्रेस अगर मुसलमानों के खिलाफ या मुल्क के सेक्युलरिज्म के खिलाफ काम करती है तो कांग्रेस के खिलाफ हम ठहरेंगे। अगर हम एनडीए में जाते हैं, बीजेपी नहीं, एनडीए में जाते हैं, एनडीए में अगर मेजॉरिटी जो है ना बीजेपी कम लाती, एनडीए ज्यादा लाती, तो बीजेपी भी एनडीए का हिस्सा होती। भाई आज इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी बड़ी पार्टी से नफरत करके तुम क्या बिंगा कर लेते उसका? मुसलमान का तो काम है घरों में अपने दीन को पहुंचाना, जब दीन पहुंचा सकते जब हमें गीरत हो, जवाबदेही का एहसास हो, तब जो है ना हम जो है ना खैरों में जो हमारा एक्चुअल हमारे को अल्लाह ताला जो जिम्मेदारी दिया है वो जिम्मेदारी को अदा कर सकते हैं। अगर तुम बीजेपी को दुश्मन समझेंगे तो तुम उन तक हमारा पैगाम पहुंचेंगे कैसा कैसा पहुंचेंगे? इसका मतलब ये नहीं है कि हमको बीजेपी जाना है, मगर कांग्रेस और बीजेपी मेरी नज़र में, हम बहुत पहले बोले थे, एक सिक्के के दो रुख हैं। हम उसके साथ रहो या उसके साथ रहो, हमको हमारी कौम के खातिर, इस मुल्क की खातिर मुकाबला तो दोनों से करना है। नुकसान इस मुल्क को दोनों से हुआ है, दोनों कोई कम नहीं है, एक सिक्के के दो रुख हैं। आपको नासिर हुसैन उस्ताद की क़यादत को मजबूत करने के लिए, नासिर हुसैन उस्ताद को सियासत में जिंदा रखने के लिए फैसला लेना है, ये सोचकर आप मशवरा देंगे, ये मेरी अदबन गुजारिश है। 7 महीने पहले कायदे मोहतरम ने एक मीटिंग मुनक्किद की थी मेजेस्टिक फंक्शन हॉल में, जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब भी रही थी, लेकिन उसके बाद में 7 महीने का तबका गुजरने के बाद भी, इतना वक्त गुजरने के बाद भी, आज भी अगर कांग्रेस के कायदीन हमसे, हमारे कायद से अगर मुलाकात नहीं करते और उनसे बात नहीं करते, आने वाले इलेक्शन की प्लानिंग नहीं करते, तो किस तरह का ये कांग्रेस पार्टी को किस तरह से हम सेकुलर कहें? क्या कांग्रेस सेकुलर है? अगर कांग्रेस सेकुलर होती तो सबसे पहले जिस तरह ये इंडिया अलायंस को पूरे कर्नाटका स्टेट में नासिर हुसैन उस्ताद ने इसकी मुखालिफत की थी, उसी तरह उसी दिन चाहे डिस्ट्रिक्ट की कांग्रेस हो, स्टेट की कांग्रेस हो, या सीनियर
पूरा नेशनल पार्टी जो एआईसीसी प्रेसिडेंट हो वो भी चाहते तो नासिर हुसैन उस्ताद से मुलाकात कर सकते थे, बात कर सकते थे, क्योंकि पूरे स्टेट में सबसे पहले एनडीए की अलायंस की मुखालिफत नासिर हुसैन उस्ताद साहब ने की थी। अगर सेकुलरिज्म की बात है तो किस तरह से सेकुलर है कांग्रेस, मुझे बताइए। जब भी सामने आई है मुसलमानों का खराबी के सिवा कोई काम नहीं करी। क्या कोई काम है, चाहे ट्रिपल तलाक का मामला हो कांग्रेस ने उसकी मुखालिफत की है, सपोर्ट किया है। आज जिस तरह से माहौल बना हुआ है शहर में, नासिर हुसैन उस्ताद जो भी फैसला लेंगे उस फैसले के साथ तमाम हम जनता दल सेक्युलर के जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी लीडर्स हैं, नासिर हुसैन उस्ताद को चाहने वाले हम नासिर हुसैन उस्ताद के फैसले के साथ हैं। लेकिन मैं अपनी तरफ से एक बात रखना चाहूंगा जो बहुत जरूरी भी है। जिस तरह बेग साहब ने बात की उसी बात को मैं उठाते हुए ये कहना चाहता हूं, हम अपनी बात बीजेपी तक अगर नहीं रखेंगे, जो नेशनल पार्टी है जो हिंदुस्तान भर में हुकूमत कर रही है, अगर हम उसको कम्युनल कहकर अगर दूर करेंगे या उन तक अपनी बात नहीं पहुंचाएंगे तो हम हमारी क़यादत को किस तरह से बढ़ाएंगे। तो मैं चाहता हूं जो भी पार्टी अप्रोच हो, जो भी पार्टी अप्रोच हो, कायदे मोहतरम को मेरा मशवरा है कि वो बात करिए, जो भी आपका जो फैसला होगा, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो, कौन सा भी कैंडिडेट होता है, हम आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। आदाब मेरे अदिल अजीज कायद नासिर हुसैन उस्ताद साहब और हमारे तमाम साथी सीनियर लीडर्स और तमाम फॉलोअर्स नासिर उस्ताद, जो आज खासतौर पे मखसूस लोगों की आज जो मसजिद इजलास बुलाया गया है, इसमें मुझे भी अपनी राय देने का मौका दिया गया है। तो मेरी राय, क्योंकि आगे कदम बढ़ाना है तो अमीर के पीछे हमारा एक अकीदा है, जो कि अपने इसमें एक अमीर बनाना है, अपने आप लोगों में से एक लीडर को चुना है। तो मैं समझता हूँ तमाम लोग नासिर हुसैन उस्ताद को लीडर चुन चुके हैं, तो हमें पार्टी या आगे क्या करना है ये हमें सोचना है। नासिर साहब जो भी फैसला देंगे, जो भी डायरेक्शन देंगे, हम उनकी हुकुम की वजह लाएंगे और तमाम लोगों का इत्तेफाक उस पर रहेगा। खासतौर पर मेरा पूरी तरह से जो भी आगे फैसला होगा मैं आपके साथ हूँ, ये अपनी मशवरे और अपनी बात को रखता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मुस्लिम चौक के नज़द रहमतुल आलमीन सीरत कमेटी ऑफिस जो कायम है वहाँ पर एक मशावरती इजलास नासिर हुसैन उस्ताद साहब की सदारत में तलब किया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह नासिर हुसैन उस्ताद साहब के कई सारे हामी जो अहम रोल निभाते हैं हर वक्त नासिर हुसैन उस्ताद साहब के इस पूरे दौर में जब से उन्होंने सियासत शुरू की है और अब तक, वो लोग सारे के सारे यहाँ पर मौजूद रहे। यहाँ बहुत सारी बातों का खुलासा भी हुआ, नासिर हुसैन उस्ताद साहब ने भी ये बात का जिक्र किया कि पूरे कर्नाटक के जितने भी जनता दल सेकुलर के मुस्लिम कायदीन थे और जो लोग सेकुलरिज्म पर यकीन रखते हैं, उन तमाम तर लोगों ने, उन तमाम तर लीडर्स ने कांग्रेस पार्टी के मौजूदा CWC मेंबर सैयद नासिर हुसैन साहब से मुलाकात की थी और उन्होंने ये अपना सामने ख्याल रखा था कि तमाम तर लोग अनकंडीशनली कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें जमहूरियत को बचाना है, यहाँ से तानाशाही को ख़त्म करना है। जो हालात नज़र आ रहे हैं उसमें NDA अलायंस में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तमाम तर बातें उन्होंने रखी, लेकिन गुज़िश्ता 7 महीनों से अब तक, जबकि नॉमिनेशंस भी शुरू हो चुके हैं, अभी तक कांग्रेस पार्टी की जानिब से कोई ऐसा जवाब नहीं आया है। उसके बरक्स यहाँ के लोकल लीडर्स ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसा मानो ऐसा लग रहा है कि नासिर हुसैन उस्ताद साहब और उनके हामी तड़प रहे हैं, बेचैन हैं कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के लिए। आज ये मीटिंग से ये बात जाहिर हो गई है कि कोई भी नासिर हुसैन उस्ताद साहब के साथियों में से ना ही नासिर हुसैन उस्ताद साहब ऐसी कोई ख्वाहिश रखते हैं, ऐसी कोई तड़प रखते हैं कि कांग्रेस पार्टी में जाने की ही उनको ज़रूरत है। हम लोग यहाँ पर कई सारे मशावरत भी लिए हैं, मशावरती ख्यालात भी सुने हैं, जिसमें से एक मशवरा ये भी आया कि जहाँ हैं वहीं पर कायम रहना चाहिए। JDS को जो पार्टी जहाँ से वो उभरे हैं, जहाँ से उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया है और जहाँ की क़यादत
ये चाहती है कि वो बाकी रहें, वो यहाँ पर मौजूद रहें, और उन्होंने उनको कई सारे ऐसे बातें भी बताई गई हैं, अगर वो जाहिर हो जाएं तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी बेचैन होकर वापस आना चाहेगी नासिर हुसैन उस्ताद साहब को लेने के लिए, अगर वो जाहिर हो जाएं तो। पर बहरहाल मैं आपके सामने ये बताना चाहता हूँ कि एक और मशवरा ये भी आया कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से नासिर हुसैन उस्ताद साहब को पूरे रियासत कर्नाटक की सदारत कबूल करने का जो ऑफ़र आया था उस पर गौर करें और हो सके तो उसमें शमूलियत इख्तियार करें, क्योंकि दो पार्टीज़ यहाँ पर मौजूद हैं, तीसरे की ज़रूरत है और तीसरी ऐसी मजबूत पार्टी की ज़रूरत है जो इस इलाके के तमाम तर मुसलमानों को, दलितों को, अकलियत को, पिछड़ों को साथ में लेकर आगे बढ़ सकती है। और MIM ये बात साबित भी कर रही है कि वो तमाम तर लोगों को लेकर आगे बढ़ना चाहती है। तो ये तमाम तर मशवरे आए हैं और कुछ मशवरे ये भी आए हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी फिर एक बार दावत देती है तो उसे भी कबूल कर लेना चाहिए, क्योंकि जमहूरियत को बचाना है, ये सारी सभी वाकिफ़ हैं इस चीज़ से। ये तमाम तर मशवरों को लेकर नासिर हुसैन उस्ताद साहब ने चंद दिन और वक्त तलब किया है आने वाले दिनों में, फिर एक बार वो अपने जब ही नॉमिनेशंस पूरे ख़त्म हो जाएंगे और विड्रॉल का मामला ख़त्म हो जाएगा उस वक्त आप लोगों के सामने एक फ़ैसले के साथ मौजूद रहेंगे इंशाल्लाह, और ये दायम व कायम फैसला रहेगा, इससे वो आगे बढ़ेंगे और आने वाले दिनों में एक मजबूत लीडरशिप की बुनियाद यहाँ पर डालेंगे इंशाल्लाह पूरे इलाके के लिए, ना ही गुलबर्गा नॉर्थ के लिए बल्कि गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के लिए, बल्कि पूरे इलाके हैदराबाद कर्नाटक के लिए एक मजबूत लीडरशिप की नींव, एक बुनियाद यहाँ पर डालने का काम इंशाल्लाह नासिर हुसैन उस्ताद साहब करेंगे।